228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। उनको चैलेंज भी करना चाहता हूँ कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं। आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई, केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं, और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें, और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं, और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़े करना केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है उस मामले में। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का जो कार्य किया गया है वो मुंबई के एक दानी दाता हैं, उनके द्वारा किया गया और उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही कार्य संपादित कराया। मंदिर समिति ने न ही सोना खरीदा और न ही उन्होंने मंदिर समिति को सोना दिया है, उन्होंने स्वयं के माध्यम से, स्वयं के कारीगरों के माध्यम, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से कार्य संपादित कराया।